नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, और इंडियन फुटबॉल हो या विदेशी फुटबॉल, कोई भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने साइन करवाया एक युवा मिडफील्डर अर्जुन जयराज को आई लीग क्लब गोकुलम केरला एफसी से। और अगर अर्जुन की करियर की बात की जाए तो उन्होंने गोकुलम केरला एफसी के लिए आई लीग में 30 से मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने उसमें 2 गोल भी दाग चुके हैं। भले ही उन्होंने उतने गोल नहीं दागे, लेकिन उनके पास बॉल कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया है और पास भी काफ़ी अच्छे निकालता है। तो दोस्तों, जो ये साइनिंग जब ऑफिशियल हो ही चुका है, तो आने वाले ISL सीजन में, मतलब ISL सीजन 7 में गोकुलम केरला एफसी का युवा मिडफील्डर अर्जुन रामपाल खेलते हुए नजर आएंगे केरला ब्लास्टर्स एफसी के जर्सी में। तो केरला ब्लास्टर्स एफसी ने ये साइनिंग ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर चुका है और अर्जुन जयराज के लिए ये उनके करियर में दूसरा प्रोफेशनल जिसमें वो केरला ब्लास्टर्स एफसी के जर्सी में खेलते हुए नज़र आएंगे। और इससे पहले उन्होंने सिर्फ एक ही क्लब के लिए खेल चुके हैं, तो वो है गोकुलम केरला एफसी, और अब केरला ब्लास्टर्स एफसी उनके लिए होगा दूसरा क्लब। तो देखते हैं ये खिलाड़ी आने वाले ISL सीजन में केरला के लिए कैसे परफॉर्मेंस करते हैं।